हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम ये मैप देख रहे हो आप, ये डायग्राम देख रहे हो आप, ये डायग्राम किस चीज़ का पता है आपको? आरओ का है। आरओ जो है हमारा आज का टॉपिक, पता है कौन सा आरओ बनाएंगे हम इसके अंदर? आरओ और फुल आरओ कॉपर का होंगे। और वो कैसे किस तरीके से बनाना है, जैसे कि ये पाइप है हमारा, देख सकते हो आप, ये पाइप जो है हम इस्तेमाल करते हैं कॉपर क्या नाम है आरओ बनाने के लिए। तो ये चीज़ हम आज इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे हम फेंक देते कूड़े में, इस तरीके से फेंक दिया। अब मेरे दोस्त, अब हमें आरओ जो बनाना है बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ में बनाना है। अब वो चीज़ क्या है, जैसे कि हम आपको दिखाएंगे। तो मेरे दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ऑल का भी बटन दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक मेरी वीडियो पहुँच जाए। तो मेरे दोस्त चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है आरओ को, हम ये डायग्राम की भी मदद से बताएंगे आपको। और इस बॉडी, ये हमारे पास आरओ की बॉडी है, इस बॉडी के अंदर में बारी बारी फिट भी करेंगे और किस तरीके से हमें करना है। कॉपर के पाइप के जरिए से हम इस आरओ को बनाएंगे। आप पूरे यूट्यूब में खोज लोगे तब भी ये आपको वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे दोस्त अगर आप सस्ते से सस्ता आरओ लेते हो मार्केट के अंदर से, आपका इससे 500 ऊपर होंगे। पर आरओ का जो है आपको कॉस्ट मैं लास्ट में बताऊंगा। इसे चलो बारी बारी हम असेंबल करते हैं, हमें किस तरीके से असेंबल भी करना है और बारी बारी हम चालू करते हैं। तो मेरे दोस्त आज का हमारा टॉपिक होगा कॉपर आरओ का। ये जो इस्तेमाल करेंगे कॉपर का इस्तेमाल करेंगे, आप देख सकते हो ये जो पाइप है ये कॉपर का ही होगा। उस पाइप को हमने इसलिए फेंक दिया ताकि लोग बाग इसी वीडियो में, मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब में सर्च मार के देखा तो ये वीडियो ऐसा वीडियो नहीं था, तो मैं कुछ अलग बनाना चाहता हूँ ताकि आप भी देख सकते हो। तो मेरे दोस्त अब स्टार्ट करते हैं हम। तो हमें स्टार्ट कैसे करना है, जैसे कि हमें आरओ को बनाना है तो पहले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको बारी बारी समझ में आ जाए। तो हमें स्टार्ट कैसे करना है, जैसे ये इन है, इन और आउट, ये आउट हो गया हमारा। ये जो पाइप है ये दो पाइप है, यहाँ से हमारा इन और आउट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले आउट आपका रिजेक्ट वाटर हो गया, ठीक है। आपका ये जो इन वाटर है आपका जो टूटी से कनेक्ट होगा इसमें कनेक्ट होगा, उसके बाद इसके जरिए से बारी बारी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं इस तरीके से ला के, और इसे सबसे पहले हम सेडिमेंट फिल्टर में दे देते हैं। ओके मेरे दोस्त, ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं इस बॉडी के अंदर में भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये बॉडी है, अब इसको ढक्कन मैंने हटा दिया इसका, अब ढक्कन हटा दिया। अब चलो मेरे दोस्त पहले ये समझ लेते हैं इसके अंदर क्या क्या लगता है। जैसे एक सेंडिमेंट, कार्बन और पोस्ट कार्बन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये तीन चीज़ हो गया। एक आरओ मेम्ब्रेन की होजिंग की ज़रूरत पड़ती है, और एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, चार एच क्लैंप की ज़रूरत पड़ती है, और एक एसवी मोटर की ज़रूरत पड़ती है, और फुट बॉल की ज़रूरत पड़ती है, और ये एल्बो की ज़रूरत पड़ती है, एक एफआर की ज़रूरत पड़ती है, और एक मोटर की ज़रूरत पड़ती है, और एक पार्ट्स और है, ये एसएमपीएस की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसी पे सारा सिस्टम चलता है इलेक्ट्रिकल का। अब मुझे क्या है, ये मेरी मेन केबल है, और ये आपको दो तार इस तरीके से बना लेनी है, ताकि इस तार को कहाँ लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलो अब मैंने जैसे डाइग्राम में ये बताया, पहला पाइप हमारा सेंडिमेंट फिल्टर में जाएगा। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसकी पन्नी को फाड़ लेते हैं और उसे निकाल लेते हैं, इस तरीके से निकाल लिया हमने। और उसके बाद इसमें दो एल्बो लगा लेना है आपको, इस तरीके से पुश करना और इस तरीके से लगा लेना। तो मेरे दोस्त वीडियो आपको अच्छी लगे तो सेव कर लेना, क्योंकि ताकि आप अपने घर के अंदर भी बना सकते हो और मार्केट से ये सामान ला करके आप अपने घर में बना सकते हो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इस सेंडिमेंट, जैसे कि देख सकते हैं आप ये सेंडिमेंट फिल्टर है। तो हम सबसे पहले, और ये तीर का निशान दिख रहे होंगे आपको, ये तीर का निशान फॉलो, ये जो तीर का निशान है हमें कभी भी अब सबसे पहले हम इसे लगा लेते हैं। तो तीर का निशान जिधर है इस साइड हमारी जा रही है, जैसे कि ये तीर का निशान है, इसमें शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, तो ये तीर का निशान है हमारा इस तरीके से। तो हम तीर के निशान को इस तरीके से लगा लें, हमारा तीर का निशान इधर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चलो ऐसे लगा लेते हैं, इस तरीके से लगा लेते हैं। अब मेरे दोस्त अब पाइप को हम इस्तेमाल करेंगे, तो हमें इस्तेमाल किस तरीके से करना है, जैसे कि मेरे दोस्त कॉपर पाइप को ले लिया मैंने इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, इस पाइप को इस तरीके से सीधा कर लो, बहुत आराम से हल्के हाथ से सीधा करना, ताकि ये बेंड ना हो जाए। अब मैं इसे यहाँ से, जो हमारा इनपुट है ये सबसे ऊपर वाला इनपुट बना लो, चाहे नीचे वाले को बना लो, जहाँ आपका दिल करे उसे बना लो। अब मैंने एक पाइप का टुकड़ा यहाँ से यहाँ कटिंग करनी है, तो हम कटिंग भी कैसे करेंगे, ये जो हमारा ट्यूब कटर है इसके मदद से कर लेते हैं। हमें साइज़ को नाप लेना प्रॉपर, इस तरीके से
आप ये पूरे YouTube में खोजोगे मेरे दोस्त, ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं नए नए टॉपिक की वीडियो लाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो ये SB मोटर है, SB मोटर में भी तीर की निशान होती है यहाँ पर, शायद आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वो तो वीडियो में पता नहीं चल पाता। तो चलो मैं इससे लगा देता हूँ तीर का निशान। इस तरीके से तीर का निशान आपका हो गया, ठीक है। हमें क्या करना, सबसे पहले इस पर एल्बो लगा लेनी है एक, इस तरीके से। अब इस तरीके से एल्बो लगा लिया आपने, और एक एल्बो हम इस साइड और लगा लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। हमें ये जो है, अब मुझे क्या करना है, जैसे ये कॉपर पाइप को इस तरीके से बैंड कर लेना, ये इस तरीके से आप बैंड कर लो। और उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लगा लेना है। लगाने के बाद सबसे पहले, उसके बाद हम इसे लगाएंगे इनमें, इनके पॉइंट में लगाएंगे, और ये आउट का पाइप जा रहा है, तो इस तरीके से हमें लगा लेनी है, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरीके से आपने फिट कर लिए, क्योंकि हम जब चीज़ बनाएं तो पूरे कॉपर को क्यों नहीं बनाएं, ताकि ऐसे से अगर हम जब चीज़ लगाएं अपने घर के अंदर में, तो अच्छी क्वालिटी का लगाएं ना, अपने घर पे बना के लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे हर दोस्त के लिए है, ताकि उन्हें आसानी हो, जैसे मैकेनिक हैं या फिर आप अपने घर में बनाना चाहते हो, क्योंकि लोग बाग घर में कहाँ बनाते हैं। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से पाइप को बारी बारी हम काट लेंगे। तो हमने क्या किया, इतना नाप के नीचे टेप से नाप लो, आप किसी चीज़ से भी नाप लो, आप इस तरीके से काटो, कटिंग कर लो। इसे कटिंग भी कैसे करनी है, आपको एक बार घुमाना है, उसके बाद इसको राउंडिंग कर लेना, उसके बाद घुमा करके फिर राउंडिंग करना है, फिर घुमाना, ज़्यादा मत घुमाना, नहीं तो बैंड हो जाएगा पाइप। तो इस तरीके से हमें काट लेने हैं। अब इसके एल्बो के पॉइंट में लगा लेते हैं, और इस तरीके से थोड़ा सा बैंड करना पड़ता है पाइप को, क्योंकि कॉपर का पाइप है ना ये, तो ये लगने में थोड़ी दिक्कत आती है, पर जब ये हम सीधा किए और इस तरीके से हमने लगा दिए, ठीक है गाइस, हम इस तरीके से हमने लगा दिए। अब जैसे इसमें हम चेंज कर लेते हैं, पहले हमने दिया आपका SB में, तो ये हम पाइप लेके आए, क्योंकि SB काफ़ी दूर है, हमने ये इनमें लगा दिया, जैसे ये हमारा तीर का निशान है, ठीक है। अब ये जो है, इस पाइप को लाया मैं और इसे लगा दिया इनमें, ठीक है मेरे दोस्त। पहले इनका जो पाइप आएगा मेरा जाएगा SB में, SB की जो आउट पाइप आएगा वो जाएगा हमारा सेंडिमेंट फिल्टर में, अब जिससे वो आउट का पाइप है। तो हमें क्या करना है, पहले कार्बन ले लेते हैं, जैसे कार्बन लिए इस तरीके से, और हमें कैप को निकाल लिए। अब इस तरीके से एल्बो हमें लगा लेने, इसे पुश करना बस, ये पानी वगैरह नहीं निकलेंगे। अब इसी का, जैसे ये तीर का निशान है, क्योंकि इस वीडियो में दिखता नहीं है, आप मैं बना देता हूँ, ये जैसे तीर का निशान है। अब जैसे मेरा तीर का निशान किधर था, इस साइड था। अब जैसे ये तीर का निशान आपको दिख रहा होगा, ये तीर का निशान इस साइड है। तो मेरा जैसे इन पाइप आया और SB में गया, SB का जो तीर का निशान इस साइड आया, फिर ये तीर का निशान इस साइड आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉपर के पाइप को लेंगे, पहले इसे कर लेंगे फिटिंग। ये जो कार्बन फिल्टर है, हम इसे फिटिंग कर लेते हैं, इस तरीके से फिटिंग कर लिए। अब इसे जो हमारा साइज़ है, जैसे कि ये हमारा साइज़ है, तो इस साइज़ को हम इतनी कटिंग कर लेंगे, ये कटिंग कर लेंगे मेरे दोस्त। अभी इस वीडियो में बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि RO के पास, RO के जो बाद लगता है, जैसे कि मेम्बरिंग के बाद जो हम लगाते थे, कार्बन वो पोस्ट कार्बन जो लगाते थे हम, कॉपर का आता है, तो वो जो है लोकल होता है, वो कोई काम का नहीं करता। उसके जगह पे हम एक चीज़ बनाएंगे, वो आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है, स्टेटस पे भी दिखा देंगे। अब इस तरीके से हमें लगा लेने पाइप को, देख ले आप कितने शानदार तरीके से लगे, क्योंकि हमारा कॉपर RO बनाएं तो अच्छे तरीके से बनाएं ना, ऐसा जब 200-400-500 रुपये की बात है तो अच्छी क्वालिटी लगाएं। अब कोई भी कंपनी अगर RO का आप लेते हो, जैसे कि बाई चांस LG का ले लियो आप, वो 26-27 हज़ार का RO है। इस RO को खरीदोगे ना, मैक्सिमम मान के चलो, इसका रेट मेरा दोस्त बाद में ही बताऊंगा, पहले ये कंप्लीट कर लूँ। अब इस तरीके से हमें पुश कर लेने, इसमें पुश करने के बाद अब आ गया मेरा, जैसे कि हमने लगा लिया मोटर। ये मेरे दोस्त, ये मोटर है, कैंट का है, वैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये पुराना मोटर है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ आपको किस तरीके से लगाना है। अब जैसे कि ये आपने लगा लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी तार होती है, मेन लीड होती है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, अब ये जैसे कि ये हमने कनेक्शन कर दिया, तो अब बारी बारी बता देता हूँ। अब मुझे क्या करना, ये जो है सेंडिमेंट से हमें कार्बन में डाल देना है इन, और से निकलेगा आपका कार्बन में इन आ जाएगा। इन आने के बाद जो ये है हिस्सा, वो कहाँ जाएगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ तक का हमारा टॉपिक है। अब यहाँ तक का हमने ये सिस्टम पे ले लिया। अब मेरे दोस्त, अब क्या करेंगे, इस पाइप को बहुत ही आसानी तरीके से बैंड करना, ताकि ये बैंड ना हो जाए। अब जैसे कि हम इस तरीके से प्रॉपर तरीके से सेट कर लेंगे, तो मेरे दोस्त पूरी वीडियो को ज़रूर देखा करें, तभी कुछ समझ में आएगा, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। आप ये इस तरीके से लगा लो, ठीक है। अब इसमें बहुत ही खेल बाकी है मेरे दोस्त,
खेल इसलिए बाकी है क्योंकि आगे जो प्योर वाटर के बाद जो लगेगा ना वो तरीका भी बताऊंगा मुझे कैसे लगाना है और किस तरीके से लगाना, क्योंकि मेरा कॉपर पानी जो है, जो हमारा शुद्ध पानी है वो कॉपर के मदद से जाए, तो वो भी तरीका मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। तो आप स्टेप बाई स्टेप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, जैसे आपको मोटर पर दिख रहा होगा तीर का निशान, ठीक है, ये इन हो गया, ये हमारा आउट हो गया। अब इसे हमें क्या करेंगे, इन में लगा लेंगे, इस तरीके से हमें पुश कर लेने और पुश करने के बाद इस तरीके से हमें रख लेने। कभी भी ये जो हॉल दिख रहा है ना, ये आपको ये हॉल में इसके पेच को कसते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से थोड़ी बात ये चीज़ तो कोई भी कर पाएंगे, नट ही कसने आपको, दो नट यहाँ कसते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मेरा यहाँ तक की कहानी ख़त्म हो गया। पहले हमारा गया हमारा एस बी में, उसके बाद सेंडिमेंट फिल्टर में, उसके बाद हमारा कार्बन फिल्टर से, कार्बन फिल्टर से हमारा मोटर में आ गया। चलो मेरे दोस्त ये तो हो गया, अब हम बात करते हैं, पहले ये तार को लगा लेते हैं। ये तार जो हमने दो बना रखी है ये इसके एस बी के लिए बना रखी है, इस तरीके से हम लगा लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब इस तरीके से हम लगा के और ये तार को हम इधर कर लेते हैं, इसकी वायरिंग हम करेंगे बाद में। अब जैसे कि ये हो गया, होने के बाद हम क्या करेंगे, अब एच कलम का इस्तेमाल करेंगे, ये एच कलम, इसको बारी बारी इस तरीके से आपको पकड़ना और इस तरीके से ठोक देना है, और कुछ नहीं करना इसमें, इस तरीके से आप लगा लेना बारी बारी, ठीक है। इस तरीके से हम लगा लिए, अब ये मेरा दो पीछे हो गए और दो को आगे करेंगे। अब जैसे आर ओ प्लस यू बी भी बनानी है तो वो तरीका भी बता दूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगली जो वीडियो हमारी होगी ना मेरे दोस्त, वो जो अगली वीडियो जो होगी ना अलग ही होगी, बिल्कुल अलग होगी, वो बिल्कुल ही कॉपर का ही बनेगा, ये सिस्टम ही कॉपर का बना देंगे हम। आप अगर नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, नेक्स्ट अलग अलग वीडियो लेके आता हूँ, जो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा वो वीडियो डालता हूँ मैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे करने के बाद चलो सबसे पहले हम वायरिंग कर लेते हैं। तो मेरा ये ए सी का है, ये जैसे एसी, ठीक है, और ये हो गया हमारा डीसी, ठीक है। और डीसी एसी का क्या पहचान होता है मैं वो आपको बता देता हूँ, कभी भी आप एसएमपीएस को लोगे खरीदोगे तो इस तरीके से तार लगी हुई आती है, तार इस तरीके से लगी होती है, ये पलक होता है हमारा, ये एसी का हो गया और ये जो ये छोटा सा तार होता है ये डीसी हो गया। तो ये तार को हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से, कटिंग जैसे हमने कर लिया, अब मुझे कैसे वायरिंग करनी है वो पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा तार छोटा पड़ रहा है, ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं इस वीडियो में थोड़ा समझा देता हूँ बस, क्योंकि ये वीडियो, ये पुराना पंप है तो इस कारण से इसकी छोटी तार है, ये थोड़ा लंबी तार होती है। तो मेरे दोस्त अब आपको कनेक्शन करना कैसे, जैसे कि ये दो तार जो हमारा डीसी का तार है, सबसे पहले हम इसे यहाँ पर जोड़ लेंगे इस तरीके से, फिर उसके बाद इसे भी जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद मुझे करना क्या है, सबसे पहले हमें करना क्या है, अब इसे भी हम इस जगह पे जोड़ेंगे। अब इस जगह पे जैसे हम तो मेरे दोस्त ये हमें तार को छिलके इस तरीके से लगा लेने, ठीक है। चलो मैं इसको लगा करके और इसे लगा लिए, ठीक है मेरे दोस्त। इसे पे टेप मारना है तो वो टेप बाद में मारूंगा, हम इसे एसबी को, ये एसएमपीएस को हम बैक साइड कर देते हैं, ठीक है। बैक साइड करने के बाद मुझे क्या करना है, अब इस पे वायरिंग, वो टेप लगानी है तो टेप हम बाद में लगाएंगे, अब पहले इसकी वायरिंग, मेन वायरिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि ये मेरी मेन वायर है, हम इसे पीछे से लाएंगे, ये जैसे मेरी मेन वायर है तो हम इसे पीछे से लाएंगे और एक गिट्ठा लगा लेंगे, यहाँ पर गार्ड बना देंगे ताकि हम वायर को खींचें तो ये खींचे ना, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसे करने के बाद इसे हम इस तरीके से कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो कनेक्शन है, एक तार को हमें बस जोड़नी है, दो तार को छोड़ देना है। अब दो तार कहाँ पर लगाना वो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मेरे दोस्त दो तार और चाहिए, अब दो तार ये हमें लगानी कहाँ है, जैसे कि ये मेरी मेन लीड है, अब इस लीड पे एक तार इधर लगाएंगे और एक तार हमें इस साइड लगानी है, ठीक है। ये दोनों तार में ये किस लिए लगाना पता आपको, ये ऑटो कट का काम करता है, तो इस पर हम टेप लगा लेते हैं, इस तरीके से हम टेप लगा लेते हैं। टेप भी लगाना काफ़ी अच्छे से ताकि स्पार्क ना करे और कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इसी कारण से आपस में स्पार्क करेंगे तो एसएमपीएस आपका ख़राब हो जाएंगे, तो इस तरीके से अच्छे से टेप लगा लो। तो मेरे दोस्त ये टेप लगाने के बाद, जैसे कि टेप लगाने के बाद हम इस तार को इस साइड कर लेते हैं, हमें ये तार को इस साइड लाने हैं, और ये कहाँ लगेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये तार हम ले आए यहाँ पर, और ये हमारा फुटबॉल रहता है जो हमारे वाटर यहाँ पर टैंक के नीचे लगता है, इसके नीचे लगता है, मैं आपको दिखा देता हूँ और लगा भी देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो इस तरीके से पहले हम इसके स्विच में, एक मेरे पास तीन पॉइंट होते हैं, 1 2 3, तो हमें लगाना कौन सा, सबसे नीचे और सबसे ऊपर, ठीक है, इस तरीके से लगा लेना है। तो मेरे दोस्त इसको पेच खोल लेना, पेच खोलने के बाद चार पेच होते हैं बॉडी के, जितने भी पेच होते हैं उसके बाद उसे खोल लेना आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फुटबॉल को हम यहाँ लगा लेंगे, इस तरीके से लगा लेते हैं। ये हमारा ऑटो कट का काम करता है, जैसे कि पानी स्टोर होने के बाद ये कट
मार देता है ताकि पूरी मशीन बंद हो जाए। अब इस तरीके से हम लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसे वापसी उसी जगह रख लेते हैं। अब ये जो है हम इस पर फिट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले, क्योंकि ये काम कैसे करता है, जब ये बॉल उठता है तो ये पिन होती है, आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे ये छोटी सी पिन दिख रही होगी, ये उठाऊंगा ऊपर आ जाती है, तो इसके अंदर एक स्विच होता है, स्विच होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये स्विच होता है, जैसे ये ऊपर आता है, ये हिस्सा ऊपर आता है, तो यहाँ से मशीन कट लग जाती है, जैसे कट की आवाज़ आएगी, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके की आवाज़ आती है, तो मतलब सिस्टम हमारा ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं मेरे दोस्त, अब यहाँ तक की है, अब चलो डायग्राम में आते हैं। डायग्राम में हमारा कहाँ तक का था, यहाँ तक का था जो कनेक्शन थी। अब इसे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पाइप को लेके जाते हैं, अब यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से हम पाइप लिया है, और लाने के बाद हमारा आउटपुट है ये, और ये हमारा आउटपुट है, ये इनपुट है, तो इस पाइप को हम इस तरीके से घुमा के इसमें डाल देंगे, ये हमारा हो गया। अब मेरा जो पाइप है ये यहाँ से इस तरीके से आ रही है, और ये हमारे इनपुट, ठीक है। अब जैसे कि हमारा यहाँ तक का कंप्लीट है, और वायर की बात कर लेते हैं, तो वायर जो है यहाँ हमारा 24 वोल्ट और यहाँ एसी का है, तो हम ये दो तार को यहाँ से यहाँ लेंगे इस तरीके से, बारी बारी हम पहले मोटर में ले लेते हैं, और मोटर से लेने के बाद हमें क्या करना है, जो एसबी का ये दो पिन बनी हुई है माइनस प्लस का, यहाँ से दो तार हमको इस तरीके से, एक तार यहाँ लेते हैं और एक तार को इस तरीके से इस पर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया डीसी का कनेक्शन। अब जैसे एसी का, ये दो तार जो है हमारी यहाँ से हम लेते हैं एक पॉइंट इस पर बॉल पे, और दूसरा इस तरीके से लेंगे, ये हमारा सिस्टम पे चला गया। अब ये ओवरफ्लो पे जो हमारा फुटबॉल जिसे कहते हैं, ये ऑटो कट मारेंगे, तो ये जो वायर होती है आपस में कट मारेंगे, तो ये पूरे सिस्टम को बंद कर देते हैं। अब बारी बारी बात करते हैं, अब चलो यहाँ का तो आपको समझ में आ गया होगा, उसके बाद हम यहाँ आते हैं प्रैक्टिकल, और इसमें प्रैक्टिकल आपका और इसका क्या नाम है आपका डायग्राम, जो डायग्राम और प्रैक्टिकल है वो दोनों के मदद से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ताकि आप अपने घर के अंदर में इस चीज़ को बना सकते हो, और मार्केट से सामान ला के खुद भी बना सकते हो। और तो आप क्या करेंगे, ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद हमें करना क्या है, करना ये है, आप जैसे डायग्राम के मदद से आपको समझा दिया, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। अब इसके बाद हमारा जो मोटर से आगे कनेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, तो हमें सबसे पहले इसे यहाँ पर लगाना है, मेम्बरिंग हाउसिंग को इस तरीके से लगा लेना है, क्योंकि ये मेम्बरिंग हाउसिंग के अंदर में ये होता है हॉल, ये जो मेम्बरिंग होती है आपकी, ये मेम्बरिंग होती है, ये जो दो रबड़ होते हैं 1 और 2, ये अंदर के साइड में होता है, और जैसे कि ये प्लेन होता है एक साइड, तो वो बाहर के साइड में होता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना, जो दो रबड़ होती है वो अंदर के साइड में होता है। उसे लगाने के बाद हम इसे ढक्कन को बंद कर लेंगे, बंद करने के बाद हम क्या करते हैं, अब इस तरीके से, अब मुझे क्या करना है, ये कॉपर के पाइप को लेते हैं, कॉपर को पाइप को ले करके हम इस तरीके से यहाँ से, और इसका साइज नाप लेंगे कि हमारा क्या साइज बन रहा है, तो इस तरीके से हमें इतना लेके, और हम ट्यूब कटर की मदद से अच्छे तरीके से काट लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। ये चीज़ जो है ना कटिंग का, हमेशा ध्यान रख लेना, क्योंकि आराम से काटना, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका बैंड हो जाएगा, बैंड होने के बाद ये अंदर इसके एल्बो के अंदर नहीं घुसेंगे, तो इस तरीके से आपको लगा लेने, ठीक है। आपको लगाने के बाद इस तरीके से आपको लगाने के बाद हमें क्या करना, अब मेरा मेन मसला है प्योर वाटर, तो रिजेक्ट वाटर का पता है आपको, ये जो नीचे का हिस्सा होता है ये रिजेक्ट वाटर होता है, जो हाउसिंग के दूसरे ऊपर होता है, जैसे ये ऊंचा होता है, तो ये हमारा प्योर वाटर होता है, ये रिजेक्ट वाटर होता है। तो रिजेक्ट वाटर में ज़रूरी नहीं है कि हम कॉपर का पाइप लगाएं, हमें ज़रूरी नहीं है कॉपर का पाइप लगाएं, तो हम इस जगह पर हम प्लास्टिक का पाइप यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा सिस्टम उसमें जाएगा, क्या नाम है आपका, इस तरीके से लेके गंदे पानी में ये पाइप जाएगा, तो इसे कॉपर में यूज़ ना करें, क्योंकि खामखा आपका जितने का पाइप लाओगे वो और नुकसान हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से हम इस वाले नीचे वाले पॉइंट में लगा लेंगे, जैसे इस तरीके से हम लगा लिए, ये देख सकते हैं, ये हमारा ऊपर का हो गया इन, और ये हो गया बेस्ट वाटर, जो गंदा पानी होता है। अब इसको हम इस तरीके से रख लेते हैं। अब इस तरीके से रखने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब चलो प्योर वाटर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो प्योर वाटर का ही अब ये हम ले लेते हैं एक्टिवेट कार्बन को हम ले करके इस तरीके से, ये हमारा जो कार्बन होता है ना सेम होता है, अंदर भी एक्टिवेट कार्बन कह लो या कुछ भी कह लो, पोस्ट कार्बन कह लो, सेम होता है सारा, कभी भी इसे फाड़ के देखोगे वही चीज़ निकलता है, पर नाम चेंज होता है। मेरे दोस्त मैं राइट बताता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, कार्बन ही होते हैं दोनों, चाहे एक्टिवेट कह लो उसे, चाहे कार्बन कह लो, कुछ भी कह लो। तो हमें क्या, ये जो तीर की निशान है, ये जो तीर का निशान है हमारा, जैसे कि ये
मैं तीर का निशान बना देता हूँ, वीडियो में दिखते नहीं है, तो इस तरीके से हमने बना दिए। अब इसे क्या करेंगे, ये जो तीर का निशान हमारा इधर आ रहा है तो हम इस तरीके से लगा लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब लगाने के बाद मेन मसला यहीं पर है, हमें क्या इसमें अलग बना रखें, और वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ पहले कि हम चलो यहाँ से इसे जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा सिस्टम इस तरीके से देख लेना आप, जहाँ तक हमारा पाइप जाए वहाँ तक हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हम इतनी दूर कटिंग कर लेते हैं, इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं, अब इसे कटिंग करने के बाद ये हमारा पोस्ट कार्बन में चला गया। अब इस तरीके से हम पुश कर लेंगे, पुश करने के बाद उसके बाद हम इस तरीके से इसे बैंड कर लेते हैं, और बैंड करने के बाद ये हमारा लग गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब जो है मेन कनेक्शन का पॉइंट यहीं पर है, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब तो ये आपने कर लिया, सब कुछ तैयार कर लिया, अब जो प्योर वाटर जाएगा वो किस में जाएगा, वो कॉपर का पाइप होगा। ये हमारा कॉपर का पाइप है, ये हम जैसे कि 10 फुट कॉपर पाइप लेके आए थे, तो 10 फुट पाइप कॉपर का पाइप इसके अंदर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, मेन मसला तो मेरा यहाँ पर है, अब स्टार्ट है काम हमारा। तो मेरे दोस्त अब क्या यहाँ पर एक जलेबी बनाएंगे, वो जलेबी बनता कैसे, तो कॉपर के पाइप में ही जलेबी बनाना है हमें। इस तरीके से एक बोतल लेनी है, बोतल लेकर के इस तरीके से रखना है क्योंकि हमारा पाइप बैंड ना हो जाए, तो हम इस तरीके से बना लेते हैं। तो मेरे दोस्त हम इस तरीके से बारी बारी राउंडिंग करेंगे। अब इस तरीके से हमें राउंडिंग करनी है। अब ये जो हमारा 5 फुट पाइप बच रहा है, इसके द्वारे से आपका इसके मदद से आपका प्योर वाटर पानी जाएगा आपके वाटर टैंक में, जिसमें आपका शुद्ध पानी आता है, जिससे आप पानी यूज़ करते हो, जो पीने के इस्तेमाल में लेते हो। हम इसे क्या करेंगे, 5 फुट पाइप को जलेबी बना लेते हैं। अब जलेबी बनाने के बाद ये हमारा ये हो गया। अब इसे हम लगाएंगे कैसे, तो मेरा दोस्त इस तरीके से बनाना है, और इस तरीके से हमें राउंडिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद हम इसे फिर नीचे के साइड में कर लेंगे, इस तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद हमारा सिस्टम आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे दोस्त उस हिसाब से बनाना ताकि लग जाए। तो हम जैसे कि इसे लगा लेते हैं, अब ये हमारा ये हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये आरओ जो है, इस तरीके से घुमा लो आप, इस तरीके से मोटर सेट करके ये हमारा प्रॉपर तरीके से बैठ गया। अब ये सोच रहे होगे कि ये लगाने से क्या फ़ायदा हुआ। मेरे दोस्त आपके कॉपर का जो पानी होता है, आपको पता है इस चीज़ का, आपने नेट पे सर्च भी मारते होगे, नेट पे सर्च मार के चेक करना कि कॉपर के पानी पीने में क्या होता है, काफ़ी सारी बीमारियाँ ख़त्म होती है। तो इस ये जो चीज़ें हैं, तो मेरे दोस्त क्योंकि हम कभी कभी कॉपर के गिलास में पानी को रख करके पीते हैं, तो मेरे दोस्त ऐसी चीज़ को बनाओ ताकि ऑलरेडी कॉपर का ही पानी मिले आपको। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हमने ये आरओ को कंप्लीट किया। अब मैं डायग्राम में बता देता हूँ, जैसे डायग्राम में मैं बता देता हूँ मुझे करना क्या है। अब मेरा कनेक्शन हो गया, अब ये हमारा पंप से, पंप की जो मेन कनेक्शन हो गई, यहाँ से मैंने लिया और ये मेम्ब्रेन के इन में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे 2 पॉइंट है, एक रिजेक्ट वाटर और एक प्योर वाटर। तो प्योर वाटर को हमने डाला एक्टिवेट कार्बन फिल्टर में। उसके बाद रिजेक्ट वाटर को हमने क्या किया, यहाँ से हमें लेनी है एफ आर जो इसमें हमने नहीं लगाया, वो एफ आर हम बाहर लगा सकते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं, कि गंदे पानी में हमें इस एफ आर को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लगा लें, तीर का निशान जिधर होगा, जैसे ये तीर का निशान है, तो हमें इस तरीके से लगाना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लगा के भी दिखा दूंगा मैं। उसके बाद आपको ये रिजेक्ट वाटर को सीधा आपका गटर में जाएगा, या किसी नहाने में नहीं कपड़े उपड़े धोने में इस्तेमाल कर सकते हो इस पानी को, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आता है। अब यहाँ से जो प्योर वाटर आया इन क्या एक्टिवेट कार्बन में आया, एक्टिवेट कार्बन से हमारा सीधा वाटर टैंक में आया, यहाँ पर हमारे को शुद्ध पानी मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैंने कॉपर का पाइप बनाया है, वो जलेबी होती है, उस जलेबी को यहाँ लगा लिया हमने, इस तरीके से लगा लिया। अब ये पाइप हमारा सीधा टैंक में गया। अब यहाँ हमारी टूटी है, अब यहाँ से आप पानी ले सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ से हमारा कंप्लीट है। आप डायग्राम की मदद से भी समझ गए होंगे, जैसे कि हमने बता रखे आपको कि ये, अब रिजेक्ट वाटर की बात करते हैं, रिजेक्ट वाटर इसमें नहीं डाला मैंने, तो ये रिजेक्ट वाटर जो है ये तो हमारा यहाँ आ गया, ठीक है, क्योंकि 3 पाइप होते हैं और ये हमारा आउट है। इस पाइप को मैंने यहाँ डाल दिया, गलत किया, मुझे इस पाइप को राउंडिंग करके इस तरीके से इसमें डालना है, ठीक है। तो ये हमारा इन हो गया, ये आउट हो गया, ये गंदा पानी हो गया, ये हमारा जो टैंकी से हम इस्तेमाल करते हैं वो पाइप इसके अंदर आ गया, और यहाँ से हमारा प्योर वाटर यहाँ चला गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये बना रखी है, देख सकते हैं आप, हमारा प्योर वाटर इसके मदद से सीधा हमारे टैंक में जाएगा, और जो पानी होगा वो बिल्कुल शुद्ध होगा, क्योंकि कॉपर के पानी से बीमारियाँ नहीं होती। तो मेरे दोस्त क्यों, ताकि हम खर्चा करते, ये मैंने इसलिए बनाया है
इसलिए बनाया क्योंकि मार्केट में 25,000 से 30,000 रुपए के आरओ मिलते हैं कॉपर का, ठीक है। आरओ का कॉपर का आरओ आप मिलता है वो, और चलो कॉपर का आरओ मिलता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये कॉपर का पाइप लगाते भी नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि मेरी ये जो वीडियो है आप पूरे यूट्यूब पे जब की डालूंगा मैं, उससे पहले कि आप वीडियो दिखा दो एक भी तो मैं मान जाऊंगा मेरे दोस्त। तो ये जो वीडियो है, ये जो कॉपर पाइप है, ये कॉपर पाइप का आपको तो पता ही है, आपको काफ़ी नॉलेज है, ऐसी बात तो है नहीं। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि कॉपर के पानी में, बर्तन में पानी पिया करें, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरीके से हमने ये कॉपर का ही चीज़ बना दिया, ऑलरेडी पाइप वगैरह जो है हमने सीधा कॉपर का ही लगा दिया। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आप आरओ को अपने घर में असेंबल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं ऑटो कट स्विच को, जैसे कि ऑटो कट स्विच यहाँ लगाना है आपको, क्योंकि इसका सेट नहीं है, ये इस तरीके से लग नहीं रहा है, तो इस तरीके से आपको लगा लेना है, वो अच्छे तरीके से लग जाएंगे। अब क्या करना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पाइप लेंगे, इस तरीके से पाइप लेंगे, इस तरीके से पाइप लेंगे और FR में इस तरीके से हम लगा देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा गंदा पानी का है, जिसमें प्लास्टिक का हमने यूज़ करा है गंदा पानी का, उसको हम इस तरीके से लगा लेंगे। और जो यहाँ से भी हमारा कॉपर का पाइप निकलेगा, क्योंकि जो कॉपर का पानी जो हमारा आएगा ना, सीधा कॉपर के पानी में आएगा, ताकि इससे आगे हम प्लास्टिक का पाइप यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ हमारी टूटी कनेक्शन होगा ना, वहाँ तक हमें पाइप को यूज़ करना है कॉपर का, तभी ये सक्सेस है। इस तरीके से आप अपने घर में सस्ते से सस्ता आरओ को बना सकते हो। तो मेरे दोस्त, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे दोस्त प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी कर लें, ऑल का भी बटन दबा लें, ताकि चलो मेरे तो एक चीज़ रह गया, जैसे ये ढक्कन है, अब इस ढक्कन को इस तरीके से लगा लेंगे। अब इसमें क्या रह गया, बस पेच कसना रह गया, एक टूटी लगाना रह गया। अब ये टूटी लगाने के बाद मुझे सीधा हैंग कर देना, और उसके बाद हमारा यहाँ से कनेक्शन कर लेने, कनेक्शन कर लेने, तो हमारा आरओ कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, ये जो हमारा आरओ है, इस आरओ को बनाने में हमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगा। तो मेरे दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, सभी भाइयों को नमस्कार, खुदा हाफिज़।